चलो, तो ये तीनों रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी है, बर्निंग ऑफ कोल, सी प्लस ओ टू विल गिव सी ओ टू, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जहां पर हीट लिबरेट होती है। तो जितनी भी कम्बशन रिएक्शन है जलने वाली, उन सब में हीट लिबरेट होती है, ठीक। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2+O2 विल गिव H2O, ये भी कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। इसमें अपने को हीट, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। इसका अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें अपन खुद हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। आगे देखो, ये फिर से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4। अच्छा सुन लो, कोई भी कंबशन रिएक्शन दे दे, मतलब कोई कार्बन का कंपाउंड दे दे और ऑक्सीजन दे दे, तो हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो CH4, C2H6, C3H8, ये सारी गैसेस दे दे अगर, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में आगे, तो हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो वही कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पढ़ाते टाइम कि भाई मैंने ये C5H12 ले लिया, C5 मतलब पेंटेन है ना, इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, बाकी फिर आप इसको इसके हिसाब से बैलेंस कर लेना। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। इसके बाद देखो, ये एक नंबर का MCQ आ गया। डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पायरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गिव एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस, है ना, ये रेस्पायरेशन होता है। तो रेस्पायरेशन भी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद आगे देखो, ये फालतू है, दुनिया भर की कहानी है। रेस्पायरेशन की रिएक्शन याद कर लेना, ये बायो में भी काम आएगी और ये केमिस्ट्री में भी काम आएगी। C6H12O6+6, मतलब बैलेंस तो तुम कर लोगे, +6O2 विल गिव +6CO2+6H2O+एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी मिलती है पता है? बताओ युवराज, अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी, अक्षत, कितनी एनर्जी मिलती है बेटा? डू यू नो? 38 एक ग्लूकोज से। हाँ, एक ग्लूकोज से मिलती है 38 ATP, और अगर एनएरोबिक होता तो कितनी मिलती? ये तो तो दो एरो, एटीपी मिलेगा, हाँ, एनएरोबिक में केवल 2 ATP मिलती है। गुड, अब दो देखो आगे। एटीपी खैर, मिलेगा। ये सब बायो में आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे बायो में, ठीक। शायद तुमने पढ़ा नहीं तो मेरे को नहीं बनता। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट इज ऑल ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, ये क्वेश्चन एक दो बार पेपर में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम है, तो ये सब NCERT ही रीड करना है। केमिस्ट्री बायो के लिए पूरा NCERT रीड करना है, वर्ड टू वर्ड, इन बिटवीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यू हैव टू ओनली रीड द NCERT। अब ये क्वेश्चन आ गया, आधे बच्चों को बना ही नहीं, कोई लिख रहा है डीकम्पोजिशन, कोई लिख रहा है कॉम्बिनेशन, कोई कुछ लिख रहा है एक्सोथर्मिक, कोई लिखा ही नहीं रहा है। तो चलिए, NCERT रीड करना जरूरी है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब देखो, ये डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी दी है, क्या कह रहा है एक्टिविटी में? टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब सुन लो, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe SO4 dot 7H2O, ये फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का। इन अ ड्राई ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ये दूसरे का आंसर हो गया, लाइट ग्रीन कलर याद कर लेना, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सबके या तो व्हाइट कह दो या कलरलेस कह दो। अगर क्रिस्टलाइन है तो व्हाइट है, और पानी में चला जाएगा तो कलरलेस सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। अब कह रहा है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। फिगर छोड़ दो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। देखो, ये रिएक्शन दी है आपको, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये है थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, जहां पर एक कंपाउंड टूट कर टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड में ब्रेक होता है। तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर कंपाउंड्स,
आइदर बाय प्रोवाइडिंग हीट और बाय प्रोवाइडिंग लाइट और बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट, तीन चीज होती है। जब हीट दोगे तो थर्मल बोलते हैं, लाइट दोगे तो फोटोलिटिक या फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिकल लोगे तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, है ना। तो थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस, ये तीन प्रकार के डीकम्पोजिशन है जो अपने को पढ़ना है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये थर्मल का है। अच्छा, हीट की जगह कई बार ऐसा डेल्टा का साइन भी बना रहता है, तो डेल्टा मतलब भी हीट होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है ऑब्जर्व कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो देखो, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड जो है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। देखो केमिस्ट्री है, सब रटना पड़ेगा, जो रटेगा वही जिंदगी में आगे जाएगा। प्लस SO2 गैस बनती है, प्लस SO3, ये दोनों गैस कलरलेस हैं, और ये जो SO2 है ना, इसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट होता है। पंजेंट मतलब ऐसा स्मेल जिससे आपका सर चढ़ जाए, बर्निंग सल्फर, जैसे टायर जलता है ना, टायर जलने की खुशबू टाइप, खुशबू मतलब बदबू टाइप आती है, तो ये काफी खराब होता है SO2 का स्मेल। इसको आप हल्का सा भी अगर स्मेल करोगे तो आपका सर चढ़ जाएगा। ये क्लियर है, इतना बन जाएगा सबको, युवराज, अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी, है ना, बन जाएगा ना, इजी है। हाँ, सब सब रटने वाला है, ठीक। उसके बाद देखो एक और थर्मल डीकम्पोजिशन दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज मेनी यूजेस, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे एक नंबर का सवाल आ गया कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, है ना, लाइम और क्विक लाइम, बन जाएगा एक नंबर का। फिर बोल रहा है व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। ये उसकी क्वेश्चन दे दिया, CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको हीट करेंगे तो CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है बेटा सभी को? तो देखो यस सर, हाँ, जितनी भी रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी पढ़नी है और सबको रट लेना है, ठीक है, ध्यान से एनसीईआरटी वाली। अब एग्जाम का मेरे को नहीं पता, बट बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शन नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक। आगे देखो एक और एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन का, एक्टिविटी 1.6 कह रहा है टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है। अब इसको क्या करना है, इसको अपने को क्या करना है, इना बॉइलिंग ट्यूब मतलब हीट करना है, ठीक है। हीट कर देंगे तो क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक। ये गैस है, ये भी गैस है, और ये सॉलिड है लेड ऑक्साइड, और ये भी पाउडर लिया तो ये भी सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने हीट दिया। अब कह रहा है यू विल ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। देखो हर एक्टिविटी का जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक नंबर का सवाल ये पूछ लिया बेटा उसने कि जो ब्राउन फ्यूम्स बनती है वो किसकी बनती है, तो किसकी बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, इसका कलर वाइट होता है, व्हाइट कलर, सो लेड के सारे कंपाउंड व्हाइट कलर है, ठीक है। और अगर एक्वस फॉर्म में है तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में है तो व्हाइट कलर का, ठीक। NO2 का व्हाइट है, PbO व्हाइट है, ऑक्सीजन तो ऊपर चली जाएगी, ऑक्सीजन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, बन जाएगा ये चीज थर्मल डीकम्पोजिशन सभी को। तो देखो एक ये लेड वाली इक्वेशन हो गई, एक ये CaCO3 वाली इक्वेशन हो गई, और एक ये FeSO4, तीन इक्वेशन है आपके पास, तीन में से कोई भी एक, मतलब तीनों याद कर लो, पेपर में कोई भी पूछ सकता है, ठीक। ओके, कहाँ चला गया, अरे अरे एक मिनट, नेक्स्ट पेज, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब अपने को पढ़ना है
डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं अपन, वाटर लेते हैं। इसका एक्टिविटी का मैं डायग्राम लोगों को कॉपी पेस्ट कर लें तो मैं ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, एक मिनट बेटा, बस कॉपी पेस्ट। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है काफी, और इससे भी मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई अपन ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल टू होल्स इन द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। है ना, यहाँ पे दो छेदे कर दिए और वहां पे रबर स्टॉपर लगा दिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इलेक्ट्रोड कोई भी आप मेटल ले सकते हो, उसके इलेक्ट्रोड आपने, ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रोड है ठीक, जैसे इसने यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड लिए, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ठीक। फिर कह रहा है फिल द मग विथ वॉटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, ऐसा पानी भरना है कि इलेक्ट्रोड्स आपकी पूरी तरह इमर्स हो जाए। उसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वॉटर। अब पहला सवाल ये यहाँ पे आ गया कि पानी, आपको पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपको वाटर को ब्रेक करना है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे बन जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला सर, शायद कंडक्शन के लिए। हाँ देखो यहाँ पे, अब जैसे वाटर है H2O, H2O को मेरे को अलग करना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखना ध्यान से, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनके बीच का एंगल कुछ 109 डिग्री होता है ठीक। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तुमने वो पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं पढ़ाना अभी, चलो कोई बात नहीं। ये जो बॉन्डिंग होती है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब, जैसे ऑक्सीजन है, कितना एटॉमिक नंबर है, 8 होता है, पहले में 2 दूसरे में 6। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है ना, इसका 1 है और इसका भी 1 है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इन हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट और डुप्लेट पढ़ा है क्लास 9th में, बता दो हाँ या ना। अच्छा है ना, पढ़ा है ना, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, मतलब मैडम नहीं पढ़ाया, नहीं। चलो शायद तुमने क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं, एक मिनट। सर हुई नहीं ऑनलाइन क्लास 9th में। अरे क्लास लगती थी ना ऑनलाइन क्लासेस, और सर पढ़ाया था मैम। देखो वैष्णवी ने बोला, किसने बोला, किसने बोला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑक्टेट मतलब होता है कि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिट है केवल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो पढ़ा था ना पहले में, 2, 8, 18, 2n स्क्वायर रूल जो था, है ना। Yes, sir. तो अगर एक ही ऑर्बिट है तो वो चाहता है कि पहले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहे, उससे वो ले ही नहीं सकता। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको डुप्लेट बोलते हैं, और जो 8 होता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं ना। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखो इसके 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करता है ये, अपना ऑर्बिट ओवरलैप करता है। ये ऐसे ओवरलैप करेगा अपना ऑर्बिट, इसका एक इलेक्ट्रॉन हजम कर लेगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हजम कर लेगा। तो अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, इसके 6 और इसके 2, 8 हो गए। सिमिलरली हाइड्रोजन अपना ऑर्बिट ओवरलैप करेगा ऐसे, और इसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो इस हाइड्रोजन के 2 हो गए ऑर्बिट, देखो इसका हाइड्रोजन का, इसके भी 2 हो गए, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके 6 और 2,
आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर इक्वल शेयरिंग होती है। देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने इसको एक दिया, इसने भी इसको एक दिया, फिर इसने इसको एक दिया, इसने भी इसको एक दिया, बराबर की हिस्सेदारी होती है, इसको कोवेलेंट बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। अच्छा, कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कब होगी बताओ? या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? वैश इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है मतलब सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो, अगर देखो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रिलेटिव है ना। रिलेटिव मतलब ऑक्सीजन की किसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो सकती है, किसी के साथ ज्यादा हो सकती है। ये रिलेटिव क्वांटिटी, परसेंट टू मतलब एटम टू एटम चेंज होगा। अब देखो, एक्चुअली आपका जो एटम होता है उसके सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? ऑर्बिट में। तो अगर मान लो किसी एटम को इलेक्ट्रॉन को खींचना है, जैसे आपने पढ़ा था लास्ट ईयर NaCl, पढ़ा था NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, पढ़ा था ना? ये कि भूल गए, ये भी भूल गए, नहीं पढ़ा था? यस हाँ, तो क्या होता है, Na एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर लेता है? अपने आप कि आज जहाँ मेरी जहाँ तुझ पे मेरा दिल कुर्बान, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। कैसे आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन? कोई उसको बुलाता होगा ना, आइए पधारिए, जल पी लीजिए, थक गए होंगे, कुछ ऐसा होता होगा ना। रहती है उसका सोडियम देना चाहता है उसे अरे इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं हूँ, ठीक। अब मैं तुमको नॉलेज देना चाहता हूँ, तुम्हारा मन ही नहीं है लेने का, तो मन होना चाहिए ना अंदर से, कोई पॉजिटिव एनर्जी या पावर होनी चाहिए ना जो उसको खींचेगी अपनी तरफ। तो क्लोरीन में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाता है? क्या है क्लोरीन में ऐसा? अरे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। अब लैक ऑफ नॉलेज तो तुम लोग के पास भी है, तो क्या एक दिन में पूरा सर नॉलेज? हाँ सर व्हेन चार्ज ऑफ आयन इज पॉजिटिव देन इट्स कॉल्ड अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं, आयन वो है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और क्लोरीन उस सर इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ सिंपल सी बात है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही फोर्स लगाते हैं दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे उनको अपने ऑर्बिट में अट्रैक्ट करने के लिए। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, कौन खींचता है? तो देखो यहाँ पे, अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो, अब जनरली क्या है, जहां भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कंपाउंड कैसा होता है? वो कंपाउंड होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। देखो ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, किसी ने लूज थोड़ी किया। चार्ज कब होगा? आयन कब बनेंगे? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वाटर जनरली कैसा है? नॉन पोलर है, अभी नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बस ऑर्बिट का ओवरलैप हो गया है। और अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये बन गया Na प्लस कैट आयन, ये बन गया Cl माइनस एनायन। तो यहाँ तो आयन है बट यहाँ ये एकदम नॉन पोलर या बिना चार्ज स्पीशी है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मतलब इसके अंदर 8 प्रोटॉन है। अब ये जो 8 प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है? केवल 1 प्रोटॉन है। इसके पास भी कितना प्रोटॉन है? केवल 1 प्रोटॉन है। तो ये इस जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया इन्होंने आपस में, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं पाते। इसके पास 8 प्रोटॉन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये इसको अपनी तरफ खींचने लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये डेल्टा मतलब पार्शियल, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर 2 यूनिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वाटर भी वैसे तो नॉन पोलर है बट
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण या उसके इलेक्ट्रॉन के प्रेम के कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है बहुत ज्यादा। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब वाटर भी कैसा कंपाउंड हो गया, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड हो गया, है ना। अब पोलर कंपाउंड आपको पता है, अगर हल्का सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया जहां पे आयन्स हैं, देखो ध्यान रखना तीन प्रकार के बॉन्ड हैं, पहला है आयनिक, दूसरा है कोवेलेंट और तीसरा है डेटिव। डेटिव तो खैर तुम लोग 11th में पढ़ोगे, 10th में भी नहीं, आईसीएसई बोर्ड में रहता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ आयनिक के, सबसे मजबूत, उसके बाद कोवेलेंट और सबसे कमजोर बॉन्ड होता है डेटिव। तो अब देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ चार्ज आ गया ना, यहाँ भी चार्ज आ गया, यहाँ भी चार्ज आ गया। तो अब ये जो वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, ये बढ़ जाता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो अपने आप को टूट नहीं जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए या फिर आपको एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो इनको अलग कर दे। मैंने बताया था कोई भी रिश्ता कब टूटता है, जब कोई बाहर वाला आता ना, अगर दो लोग नॉर्मल हैं तो रिश्ता क्यों टूटेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया 2 यूनिट और यहाँ जो हाइड्रोजन है पानी का उस पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है। अब इसमें मैंने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4, सपोज HCl डाल दिया, HCl भी क्या होता है H+Cl-। अब जैसे ये पानी में जाएगा ये भी आयोनाइज हो जाता है, ये H प्लस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये Cl माइनस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और इनका ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है और फाइनली आपको H प्लस और Cl माइनस आयन, और सॉरी H प्लस और O2 माइनस आयन मिल जाते हैं। तो ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों डालता हूँ, ताकि ये जो H प्लस आयन बनेंगे और जो Cl माइनस, या तो यहाँ पे बनेगा H प्लस और SO4 2 माइनस, ये H प्लस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचे और ये SO4 2 माइनस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे, ताकि जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए और वाटर का डिसोसिएशन हो जाए। तो वही ये केमिस्ट्री थोड़ा घुमावदार है, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो बहुत आसान है, बेस में जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो अब हाँ खैर बात कहाँ से कहाँ आ गई, तो अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, टू इंक्रीज द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या जो बॉन्ड हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वो वीक हो जाएं और इजीली ब्रेक हो जाएं। क्लियर है जी, क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। तो वही है, मतलब ऊपरी ऊपरी पढ़ना है इसको, एक मिनट, एक जरूरी मैसेज का मैं रिप्लाई कर दूंगी, बैंक वाला मैसेज है, ओटीपी भेजना है। वैसे ओटीपी शेयर नहीं करते ना किसी के साथ, खैर मतलब तो घर वालों के साथ करना है तो ऑलराइट। 7 ओके, चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ता। तो आ गया, हाँ अब आगे बोला है, टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। फिर बोल रहे देखो आगे क्या रहा है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दीज बबल displace water in the test tube। अब ये जो बबल निकल रहे हैं ये पानी के ब्रेकडाउन से ही निकल रहे हैं, ठीक है, और बबल हमेशा कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो ऊपर जा रहे हैं पानी को डिस्प्लेस करते हुए। अब आगे आपको बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, इसका आंसर क्या होगा, नो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जो कैथोड, जैसे मान लो ये 2 आपके इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पे दिया नहीं है कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, कोई बात नहीं,
जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ। एनोड। हाँ गुड, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है जिसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ उसको मैं बोलता हूँ एनोड, ध्यान रखना, और जिसको मैं नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ उसको मैं बोलता हूँ कैथोड। ठीक, अब जैसे वाटर का आयोनाइजेशन हो गया तो वाटर ब्रेक हो गया H प्लस में और O टू माइनस में। ठीक, अब एनोड देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो एनोड है एनोड किससे जुड़ा है, एनोड पॉजिटिव से जुड़ा है, कैथोड नेगेटिव से जुड़ा है। तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, तो कहने का मतलब एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस जाएगी। ठीक है, तो एनोड पे आपको कौन सी गैस मिल जाएगी, ओ टू गैस मिल जाएगी। कैथोड किससे जुड़ा है, कैथोड नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो कैथोड पे आपको कौन सी गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर का सवाल आता है कि भैया कैथोड पे कौन सी गैस मिली और एनोड पे कौन सी गैस मिली। तो ये बात याद रहेगा, एनोड पॉजिटिव है, एनोड के पास नेगेटिव आयन जाएगा तो एक्सक्यूज ऑक्सीजन मिल जाएगा एनोड पे। हाँ मी सर, सर बेटा, मे आई आस्क माय क्वेरी हाँ पूछो ना। सर, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम? वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, वो तो सिंपल है ना बेटा वो भी। अच्छा चलो ठीक है, उसमें आ गए तुम। ये है क्विक लाइम, इसमें पानी मिलाया, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और ये बन जाता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। तुम कभी, अब सुनो, कभी ना बाजार से थोड़ा सा चूना ले आना खरीद के और उसको पानी में डालना, तो देखना जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक, उसमें बहुत बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं, तो ये वही रिएक्शन है। ठीक है, कभी पापा या मम्मी से बोलना हल्का सा चूना कहीं से ले आया खरीद के और उसको डालना पानी में, सूखा चूना, पानी वाला नहीं, पानी वाले में तो नहीं बनेगा तो ऑलरेडी पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, किसने पूछा, ये वैष्णवी ने। यस ओके वैष्णवी, चलो ठीक है। तो व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, लाइम वाटर इज फॉर्म। ठीक, या उसको स्लेक लाइम भी कहते हैं। अच्छा पहले यहाँ पे आते हो, तुम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। तो एनोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, कैथोड जो नेगेटिव से, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। अच्छा अब क्वेश्चन ये था कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस सेम, तो उसका आंसर क्या है, नो। क्यों, देखो यहाँ पे एच टू ओ है, अगर एच टू ओ ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, एच टू प्लस ओ टू। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, हाइड्रोजन गैस का एच टू है, ऑक्सीजन का ओ टू है, दोनों गैस में दो दो एटम रहते हैं। अगर तुम वाटर का फॉर्मूला देखो तो वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक एटम है। तो कहने का मतलब जब हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होगा तो दो दो वॉल्यूम मिलेगा हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम मिलेगा ऑक्सीजन का, तो किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर। समझ में आ गई ये चीज सभी को। सर, हाँ बेटा, जैसे अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है H2+O2 हाँ इक्वल टू, तो H2O लिख देंगे वहां और पे, तो बैलेंस कर देना उसके फिर बेटा, बैलेंस ही ज्यादा पड़ेगा। बैलेंस सुन लो, जितनी भी रिएक्शन आती है बिना कहे बैलेंस करना है। ठीक है, अच्छा सुनो, आज का टाइम खत्म हो रहा है, मैं ये टॉपिक कल फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार मतलब पूरा नहीं बट जो मेन मेन क्वेश्चन बचे हैं, ठीक, 1 मिनट से ओके सर। कम बचे हैं।